जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्रिय दर्शक जो कि ललायित होकर मंथली राशिफल देखते हैं, यानी तुला राशि लिब्रंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और लिब्रंस में मेरी रिसर्च ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, उनका हम और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके लव एंड अफेयर की, उनके फाइनेंस की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ट्रांजिट से फ़ायदा नुकसान होगा जुलाई के महीने में, इस बारे में चर्चा करने वाले, यानी जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिब्रन तुला राशि के ट्रांजिट देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं। तो पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 10th हाउस के अंदर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से मंगल को देखा जाए तो 12 जुलाई को वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से बुधदेव को देखा जाए तो 19 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव के अंदर पहुंच जाएंगे। शुक्रदेव 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी तुला राशि से देखा जाए तो ये 10th हाउस में पहुंच जाएंगे। और शनि देव पूरा का पूरा जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं, यानी कि इन ट्रांजिट का जुलाई के महीने में तुला राशि पे क्या खास प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे तो 2 या 3 ट्रांजिट हर महीने होते ही रहते हैं, आप जानते हैं कि 4 ग्रह का कॉमनली राशि परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन जुलाई का महीना तुला राशि के लिए क्या खास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ कि जुलाई का महीना खास है, तो सबसे पहले ये तुला लग्न और तुला राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, जो आप देख रहे हैं। पहला देखा जाए तो शनि पंचम भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर वक्री हो रखे हैं, यानी कि यहाँ पर पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहेंगे। राहु जहाँ 12 लिखा है, 12वें भाव में बैठे हैं, यानी छठे भाव में आपके बैठे हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा जहाँ 1 नंबर लिखा है आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, ये बहुत खास है, यानी कि रोचक योग आपकी आपकी लाइफ में बन रहा है जुलाई के महीने में। तो रोचक योग से एक तो आपका कद और पावर और आपका रुतबा बढ़ जाएगा। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, सेना नेवी के क्षेत्र में, रक्षा मंत्रालय के अंदर है, यानी कि आप प्रॉपर्टी के काम में हैं, आप टेक्निकल काम में हैं, तो भाई आपको ज़बरदस्त जुलाई के महीने में कोई लाभ होगा, पद प्रमोशन, कद लाभ, कोई ना कोई लाभ आपको होगा। साथ ही साथ यदि आप मंगल के साथ में चंद्रमा भी आए, यदि आप समुद्र या पानी से, लिक्विड से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित किसी सेक्टर में है तो भी आपके लिए ज़बरदस्त है, या क्रिएटिविटी वाली फील्ड के अंदर है तो भी आपको जुलाई का महीना है काम मिलेगा, यानी चंद्रमा कल्पना शक्ति होती है तो आप क्रिएटिविटी वाली फील्ड में, तो भी ये जो रोचक योग है आपके लिए आपको प्रभाव, बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो चंद्र मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके दशम स्थान में, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में व्यापार बढ़ाने वाला जुलाई का महीना रहेगा। नई डील यानी पुराना काम लौट कर वापिस आएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है, पूरा डिटेल में भी चर्चा करेंगे। और मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके लगन भाव पे, यानी आपको फिट एंड फाइन करेगी, आपके अंदर नया शौक जागृत होगा, आपका नाम न्यूज़पेपर अखबारों में आएगा या आपको इनविटेशन आएगा, यानी कि आपकी, आप अगर इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया है, नेटवर्कर है, तो आपका किया गया प्रयास जुलाई में सफल होता हुआ नजर आएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव में, भाई ये धन भाव में विदेश से आपको इनकम दिलाएगी, विदेशी व्यक्ति आपसे मिलने आ सकते हैं, बाहर से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, यानी विदेश से आपको एक तो इनकम होगी और वैसे भी धन में वृद्धि करने वाली जुलाई का महीना रहेगा और ये मंगल की दृष्टि रहेगी। मित्रों, ये था गोचर का प्रभाव। अब हम जनरल प्रिडिक्शन के बारे में, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र आपके 9वां भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप लोगों से हंसी मजाक करते हुए नजर आएंगे, ठहाके लगाते हुए नजर आएंगे, लाफ्टर ग्रुप या कॉमेडी वीडियो देखते हुए नजर आएंगे, इंटरटेनमेंट अपने आप को करते हुए नजर आएंगे, आपके अंदर एक चमक सी आ जाएगी, आप एक
दुविधा वाली स्थिति से निकलकर बड़े खुशनुमा माहौल में होते हुए नजर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं जुलाई का महीना आपको खुश करने वाला, एंटरटेनमेंट करने वाला, आपको बिजी रखने वाला रहेगा। साथ ही साथ नाम पद प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी, जैसा कि न्यूज़ चैनल वाले आपको बुला सकते हैं, आपकी अचानक कोई बाइट ले सकता है, कोई यूट्यूबर आपकी बाइट ले सकता है, आपका चेहरा यूट्यूब चैनल पे आ सकता है, अखबार में आपका नाम छप सकता है। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नज़र आएगा, माता पिता या परिवार से कोई लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं जुलाई का महीना तुला राशि के लिए खास है, क्योंकि रोचक योग बन रहा है और सीधी दृष्टि आपकी राशि पर ही है। साथ ही साथ धन की फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के मालिक मंगल सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हैं, चंद्र के साथ में बैठे हैं, लक्ष्मी योग रोचक योग दो योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तीन बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला, विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, कोई ना कोई डॉलरों में आपको धन मिलेगा, चाहे एक डॉलर ही क्यों ना मिले, चाहे $100 मिले, आपको विदेशी करेंसी जरूर आप तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, यानी विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी। दूसरा देखा जाए तो आपको प्रॉपर्टी से कुछ फ़ायदा होगा, या तो प्रॉपर्टी के सेल के आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे या परचेज़ के अच्छे डील मिलेगी, यानी प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ तुला राशि को जुलाई के महीने में होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक भी है और मंगल शेयर और इन्वेस्टमेंट का कारक भी है। यानी आप इंट्यूशन से आप किसी शेयर में या घटते बढ़ते शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसमें भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ नज़र आएगा, यानी मंगल आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देगा, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ नज़र आएगा। तीसरा देखा जाए तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, खासकर देखा जाए 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई के बीच में अचानक आपको किसी मित्र की राय से या अचानक आपको कोई मोटा धन लाभ होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंस के लिए, तुला राशि के लिए जुलाई का महीना यादगार साबित रहेगा, यानी अच्छा खासा यादगार रहेगा। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो शनि यहाँ पर वक्री हो रखे हैं और पूरे महीने ही वक्री रहेंगे, इसलिए परिवार के साथ में कहीं घूमने जाने की योजना, किसी फैमिली सदस्य को कहीं कुछ दिलाने की योजना जो आपने बना रखी थी वो जुलाई में कैंसिल होती हुई नज़र आएगी। यानी परिवार भाव वैसे नॉर्मल है, लेकिन जो घूमने घामने की जो योजना बनाई हुई थी वो कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, तो संतान भाव कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में नॉर्मल रहेगा। संतान अपनी विद्या करियर में बिजी रहने वाली है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, वो अपना बिजी रहेगी। यहाँ पर कोई ट्रांजिट का इफेक्ट नहीं है, संतान भाव आपका नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में कि जुलाई का महीना उनका कैसा रहेगा। दो भागों में बटेगा जुलाई का महीना, यानी दो घटनाएं करेगा। पहला, जो स्टूडेंट हैं उनका स्थान परिवर्तन का जुलाई के महीने में जबरदस्त शनिदेव योग बना रहे हैं, लेकिन जो भी आप हॉस्टल चेंज करेंगे, रूम चेंज करने वाले हैं जुलाई के महीने में, नई जगह पे जाके आपकी कुछ दिनों तक तबीयत खराब रह सकती है। यानी जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा, आपकी तुरंत ही तबीयत भी खराब करेगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वाहन पे आपका स्टूडेंट का खर्चा रहेगा, यानी जुलाई के महीने में वाहन पे खर्चा आपका आ सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विद्या करियर के लिए जुलाई का महीना स्टूडेंट के लिए नॉर्मल रहेगा, बस ये दो घटनाएँ जुलाई के महीने में घट सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में विपरीत राजयोग बृहस्पति का बन रहा है। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, यानी विपरीत राजयोग बन रहा है, खासकर 1 तारीख से लेकर 21 जुलाई तक जबरदस्त आपके पद में वृद्धि हो सकती है, यानी पद प्रमोशन के लाभ नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बड़ा प्रोजेक्ट आपको 21 जुलाई तक मिल सकता है। यानी कि ऑफिस से कुछ सुख सुविधाएं, कुछ बातें आपकी मान ली जा सकती है, यानी 21 जुलाई तक आपको अच्छा खासा लाभ विपरीत राजयोग का मिलेगा। 22 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो ये जो 9 दिन है ना तुला राशि वालों, ये कितने 22 जुलाई से 31 जुलाई
तक ये 9 दिन आपके लिए बड़े कष्टकारी रहेंगे। किसी गलती की सज़ा आपको मिल सकती है। इसमें अगर आपने कोई दो नंबरी काम अगर आपने किया, ऑफिस से कोई दो नंबरी का काम किया, तो आप पकड़े जाएंगे और आपको दिक्कत आ सकती है। 9 दिन आप सावधान रहे, यानी 22 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे और आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा भी है और ख़राब भी है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो अच्छा ही है। अब हम तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो रिलेशनशिप में है या पति पत्नी है। तो यहाँ पर रोचक योग जुलाई के महीने में बन रहा है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं आपके पार्टनर के जीवन में घट रही है, 2 नहीं 3 घटनाएं। पहली देखा जाए तो पार्टनर अपना हॉस्टल या रूम चेंज करने के पार्टनर के योग बनते हैं, यानी कि पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग, नौकरी चेंज का योग जुलाई के महीने में ज़बरदस्त बन रहा है। दूसरा देखा जाए करियर में बड़ी सफलता आपके पार्टनर को मिल सकती है जुलाई के महीने में। तीसरा माता पिता परिवार से आपके पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। तो 3 अच्छी अच्छी घटनाएं आपके पार्टनर के जीवन में है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहला, आपके पार्टनर को आपके सास ससुर से कोई गिफ्ट, कोई उपहार मिल सकता है जुलाई के महीने में। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर को करियर में पद धन लाभ भी जुलाई के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा, पानी की यात्रा के योग भी पार्टनर के नज़र आ रहे हैं, यानी कि नदी समुद्र पानी की यात्रा आपके पार्टनर की जुलाई के महीने में हो सकती है। अब ये प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, जुलाई का महीना भाई आपके लिए अच्छा है क्योंकि रोचक योग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अब बात करते हैं व्यापार भाव के। तो व्यापार भाव से पहले मैं तुला राशि वालों से बात करना चाहता हूं कि यदि ये तो मित्रों जनरल प्रिडिक्शन है, यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कुछ परेशान हैं, कहीं समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, व्यापार चल नहीं पा रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और छोटा सा कंसल्टेंसी शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करा लीजिए और उपाय ले लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है। तो जब आप जुलाई के महीने में उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, यानी व्यापार के बारे में, जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं तुला राशि वाले, छोटा मोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, तो जुलाई का महीना 2 भागों में तुला राशि का बटेगा। पहला, 1 तारीख से लेकर और 18 जुलाई के बीच में सब काम आपके अधूरे रहेंगे। एक काम करेंगे तो दूसरा काम आ जाएगा, दूसरे काम पर चलेंगे तो तीसरे काम में फंस जाएंगे, सारे काम आपके अधूरे रहेंगे, यानी कि देखा जाए नॉर्मल सेल रहेगी और बड़ी डील होते होते आपकी रुकती हुई चली जाएगी या आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। यानी 1 तारीख से 18 जुलाई तक नॉर्मल है, बड़ी सफलता आपके हाथ में नहीं लग रही, यानी बड़ी सफलता आगे की ओर खिसक जाएगी, सब काम अधूरे रहेंगे, यानी 18 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। फिर 19 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में बुध देव सिंह राशि में ट्रांजिट का प्रभाव भाई आपको 19 जुलाई के बाद से 31 जुलाई के बीच में मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी, जो आप भागा दौड़ी कर रहे थे ना काम डील लेने की, उसका आपको रिजल्ट 19 जुलाई के बाद मिलता हुआ नज़र आएगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हो सकता है, नया काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, या 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बड़ी कंपनी से आपका कोई टाई अप हो सकता है, यानी जुलाई का महीना आपके लिए यादगार रह सकता है व्यापारियों के लिए, काम करने वालों के लिए, वो भी 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बहुत ही लाभकारी महीना रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।